दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और बुमराह को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में लगभग 99% मैच हार चुका था भारत, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह से करवाया चमत्कार, तो पलट गया मुकाबला, जीता भारत, तो खुशी से झूम उठी नीता अंबानी, ने दिया करोड़ों का इनाम और नया रोहित शर्मा को ऑफर, और जो कहा वो सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिरकार रोहित बुमराह पंत पर पैसों की बारिश करते हुए नीता अंबानी ने जो किया है ना, वो सुनने के बाद आप भी उनको सलाम किए बिना रह नहीं पाओगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आखिरकार T20 वर्ल्ड कप के जिस मुकाबले का इंतजार 140 करोड़ भारतीय दर्शक कर रहे थे, वो मुकाबला न्यूयॉर्क में खेला जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में टीम इंडिया जहाँ एक वक्त पर पूरी तरह से हार चुकी थी और कोई भी उम्मीद नहीं लगा रहा था भारत की जीत की, वहां से भारत की टीम ने ना सिर्फ यह मुकाबला जीता बल्कि पाकिस्तान की टीम के समीकरणों को भी बिगाड़ कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट गवाए और 20 ओवर भी पूरे नहीं खेले और 119 रन पर टीम इंडिया पूरी तरह से ढेर हो गई। इस बीच भारत के लिए सबसे ज्यादा 42 रन की पारी ऋषभ पंत के बल्ले से निकली, जिन्होंने 6 चौकों की बदौलत 42 रन जड़े। तो वहीं रोहित शर्मा ने 13 रन तो विराट कोहली ने 4 और अक्षर पटेल ने 20 रन की पारी खेलकर भारत की टीम को 119 रन तक पहुंचाया। बाकी कोई भी बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाया। अब दोस्तों यहां पर 120 रन का लक्ष्य पाकिस्तान के आगे था और पाकिस्तान को जिस तरह की शुरुआत मिली वहां से ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी। दरअसल दोस्तों मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने पहले विकेट के लिए 26 रन बनाए थे, लेकिन यहां जसप्रीत बुमराह ने बाबर आजम को 13 रन पर चलता किया, लेकिन मोहम्मद रिजवान एक छोर संभालते हुए 31 रन तक पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने उनको अपने जाल में फंसाया, वहां से पूरी पाकिस्तान की टीम कोलैप्स होती हुई नजर आई। यहां पाकिस्तान का फिर एक भी बल्लेबाज 15 से ज्यादा रन नहीं बना पाया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम 113 रन पर 7 विकेट 20 ओवर के दौरान बना पाई और इस मैच को 6 रन से भारत ने अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों भारत की इस शानदार जीत के बाद पूरा देश खुश है, क्योंकि दोस्तों इस हारे हुए मैच में टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पूरा एफर्ट लगाया, जिसके चलते यह मुकाबला भारत की टीम जीतने में कामयाब रही। तो दोस्तों अंतिम ओवर में भारत को मिली जीत, तो नीता अंबानी काफी खुशी से झूम उठी और यहां नीता अंबानी ने भारतीय टीम को करोड़ों रुपए इनाम में देने का ही ऐलान कर डाला, जैसे कि भारत की टीम ने T20 विश्व कप ही अपने नाम कर लिया हो। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से जीतने की खुशी एक अलग ही होती है और यहां पर नीता अंबानी के चेहरे पर भी वो खुशी देखी जा सकती है। यहाँ पर नीता अंबानी ने भारत की जीत के बाद सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और अपनी तरफ से ऐलान करते हुए कहा कि हमारे भारत ने T20 विश्व कप में पाकिस्तान की टीम को हराकर लगभग अब उनको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है और भारत की यह सफलता हम सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए काफी बड़ी सफलता है और हम भारत की इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत इस साल T20 वर्ल्ड कप भी जीतेगा, मुझे पूरी उम्मीद लग रही है और पाकिस्तान के खिलाफ हम मुकाबला जीते हैं तो मैं अपनी तरफ से हर एक खिलाड़ी को तोहफा देना चाहती हूं। और दोस्तों यहां पर नीता अंबानी ने यह तो बताया नहीं कि वो कितने करोड़ रुपए खिलाड़ियों को दे रही हैं इनाम के तौर पर, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि एक एक करोड़ रुपए से कम तो दिए नहीं जाएंगे। और यहां पर दोस्तों फिर नीता अंबानी ने यह भी कहा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रिलायंस क्रिकेट फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को इनामी धनराशि दी जाएगी और दोस्तों यहां मैन ऑफ द मैच और जो अच्छा प्रदर्शन करेगा इस दौरान T20 विश्व कप में उसको भी रिलायंस की तरफ से इन अवार्ड और इनामी धनराशि से नवाजा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर नीता अंबानी ने ऐसा बड़ा कदम उठाकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि नीता अंबानी ने जो किया है वो सही है या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।